जो भड़के सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मारपीट मामले में अब एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में अभी तक हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विभव कुमार, उन्होंने दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, बदसलूकी की है। ये आरोप स्वाति मालीवाल का है और FIR इस मामले में दर्ज हो चुकी है। अब लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी को घेर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा से लेकर हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने भी अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है। साफ तौर पर जो असम के मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह बहुत बुरा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी ने सब षड्यंत्र ये रचा था। ये बड़ा आरोप हेमंता ने लगा दिया है और कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। यानी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ही षड्यंत्र रचा गया है। स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी हुई है, जो मारपीट हुई है, जिस तरीके से उन्हें लात घूसों से मारा गया है, वो सब कुछ अरविंद केजरीवाल का षड्यंत्र है। ये साफ तौर पर हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को घेरा है, सुनिए। आम आदमी पार्टी एक MP है जिसको फिजिकली असॉल्ट किया गया, आम आदमी, ये बहुत बहुत बुरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने ही ये सब इंजीनियर किया था। ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी का दायरे में अरविंद केजरीवाल को भी लाना। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा को आपने सुना, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस पूरे मामले की जांच में शामिल किया जाना चाहिए, तभी जाकर इस पूरे मामले की परत खुल सकती है। लेकिन वही हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने एक गाने के जरिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर हमला बोला है स्वाति मालीवाल के इस पूरे मामले को लेकर, और कहा है कि जो खुद की पार्टी ही स्त्री की मर्यादा नहीं करेगी, वो जाकर देश की मर्यादा आकर क्या करेंगे। यानी हम उस पार्टी से उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वो देश की महिलाओं की सुरक्षा करेगी। स्वाति मालीवाल जी के मैटर में जो जानकारी अभी तक सामने आई है या फिर जो कंप्लेन उन्होंने दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई है, उसकी सारी सच्चाई और डिटेल्स जानकर मैं तो स्तब्ध हूँ। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात यह है कि ये पूरी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर उनकी उपस्थिति में हुई है। आज मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता भी यही महसूस कर रही है कि शायद हमसे गलती हो गई है और ये कैसा मुख्यमंत्री हमें मिल गया, जो अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है। तो ये हमारी दिल्ली की माताओं बहनों के मान सम्मान की क्या रक्षा करेंगे। जो नई राजनीति की बात ये करते थे, क्या यही है इनकी पार्टी की नई राजनीति कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की अभद्रता हो, वो भी मुख्यमंत्री जी के आवास पर उनकी उपस्थिति में। और ताजुब की बात ये है कि इस पूरी घटना पर केजरीवाल साहब चुप हैं, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। उनको तो खुद पुलिस को बुलाकर बयान देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी घटना के असली गुनहगार और गवाह आप भी हैं केजरीवाल साहब। रेखा शर्मा है कि चेयरपर्सन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल साहब स्वाति मालीवाल का पक्ष न लेकर अपने PS विभव कुमार का पक्ष ले रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसा तो हो ही रहा है। आप देखिए ना, जिस आदमी ने इतनी अभद्रता करी है उन्हीं की पार्टी की सांसद महिला नेता के साथ, उसी को लेकर वो कल लखनऊ एयरपोर्ट पर घूम रहे थे।
अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है और ना माफ़ी मांगी है और ना कुछ एक्शन हुआ है, तो ये सब तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। किस तरह का एक्शन चाहते हैं? जो देखिए जो हुआ है या फिर जिस तरह की बदतमीजी हुई है स्वाति मालीवाल जी के साथ, उस पर जो एक्शन होना चाहिए वो हुआ नहीं है अभी तक ना। और केजरीवाल साहब क्यों चुप हैं इस पर? कुछ बयान नहीं दिया उन्होंने अभी तक उस पर। और मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि भाई आप अगर अपनी पत्नी को आगे करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ करिए, शौक से करिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी की वरिष्ठ नेताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार तो मत करिए। ये तो एक महिला की गरिमा का हनन हुआ है और आप चुप हैं इस पर। पार्टी तो छोड़ो, औरत का संरक्षण करना सीखो, मर्यादा करना सीखो। भारतीय होने के नाते इतना तो हम पुरुष से उम्मीद करते हैं। खुद के पार्टी के लोगों औरत का सम्मान न करने वाले किसका सम्मान करेंगे? ऐसे में कहीं ना कहीं हैरानी भरी बात है। ये साफ तौर पर माधवी लता के जरिए कहा गया है। बीजेपी की कैंडिडेट हैं, खुलकर हर मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं और एक गाने के जरिए उन्होंने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट बदसलूकी के मामले पर घेरा है, सुनिए। चिंगारी जो भड़के सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। खुद के पार्टी ही स्त्री का मर्यादा नहीं करेगी, वो जाकर देश का क्या मर्यादा करेंगे? पार्टी तो छोड़ो यार, औरत का संरक्षण करना सीखो, औरत का मर्यादा करना सीखो। भारतीय होने के नाते इतना तो हम पुरुष से हम उम्मीद करते हैं। खुद के पार्टी के लोगों को औरत को सम्मान न करने वाले किसका सम्मान करेंगे? देश में ऐसे लोग हैं, आश्चर्यचकित वाली बात है। तो तमाम बीजेपी के नेता, फिर चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, फिर चाहे वो लोकसभा के बीजेपी के कैंडिडेट हो, लगातार इस पूरे मामले पर केजरीवाल उनकी पार्टी से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दरअसल कई दिनों की चुप्पी के बाद 13 मई का ये पूरा मामला है, जब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती हैं, कहा यह जा रहा है कि उनसे इस्तीफा मांगा गया था राज्यसभा के सांसद पद से, और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो है उनके ही शीश महल के भीतर होता है, जहां स्वाति मालीवाल ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें बताया है कि किस तरीके से उनके साथ ये पूरी मारपीट हुई है, ये घटना हुई है, किस तरीके से नीच औरत से लेकर तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल विभव कुमार जो कि पीए हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने स्वाति मालीवाल के लिए किया है। और उसके बाद स्वाति मालीवाल ने बाकायदा FIR दर्ज कराई है और मालीवाल के बयान के आधार पर पुलिस ने विभव कुमार पर धारा 308, 341, 323, 506, 354B और 509 के तहत ये केस दर्ज किया है। और दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के घर भी पहुंची थी, तो वहीं अब दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम जो है वो केजरीवाल के घर पहुंची है, क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया है, उसकी भी जांच करनी है, जहां पर स्वाति मालीवाल PCR को कॉल करने की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं अगर मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं फिर तुम्हें दिखाती हूँ, इस तरीके की बातें वो कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे मामले में फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक हैरानी भरी घटना है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जो महिलाओं के दमन उनके शोषण की लड़ाई अब तक लड़ती रही हैं, लेकिन आज वो इतनी बेबस नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में कि वो खुद की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। तो ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। आम आदमी पार्टी की इस पूरे मामले पर छुपी है। आम आदमी पार्टी के नेता से जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं घर का मामला है, घर में हम सुलझा लेंगे, हमें इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। संजय सिंह ये मान चुके हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ ये सब कुछ हुआ है, बावजूद इसके वही विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार यात्राएं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ना ही पीए पर एक्शन लिया गया है, ना ही स्वाति मालीवाल के मामले पर कुछ अरविंद केजरीवाल बोल
रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है चुप्पी। और ये चुप्पी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कितनी महंगी पड़ेगी ये आने वाले वक्त में अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कोई भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार हो या मोलेस्टेशन का केस तो FIR दर्ज करना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षित हो। और यहाँ देखने मिलता है कि महिला उद्योग, जो दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, अभी अध्यक्ष हैं दिल्ली वुमेन्स कमीशन की, राज्यसभा में सांसद हैं, उनके प्रति ऐसे अन्याय हमको देखने मिलेगा तो शोभा नहीं देती है। FIR दर्ज करना पहला कदम है और हम चाहते